मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है, जहां कांग्रेस भाजपा चुनाव जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के चलते मंदसौर लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा लेने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी पारा भी चढ़ने लगा है। चुनावी रण में एक दूसरे को मात देने के लिए कांग्रेस भाजपा नेता एक के बाद एक तूफानी जनसंपर्क कर अपनी अपनी पार्टी का माहौल बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में मंदसौर नीमच लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी सुधीर गुप्ता के समर्थन में प्रचार करने पिपलिया मंडी पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जहां शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा के चुनावी संकल्प पत्र का विमोचन करते हुए चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने जहां केंद्रीय सरकार की योजनाओं का बखान किया, वहीं प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। मेरे अनुज भाई जगदीश, हमारे वरिष्ठ नेता बहन अर्चना चिटनीस जी, आदरणीय कैलाश चावड़ा जी, जिला भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र सुराना जी, हमारे लोग, आप चाहे तो बैठ जाए, पैर में लगी है। भाजपा की चुनावी जनसभा में भाजपा के दिग्गज नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां शिवराज सिंह ने आम जनता से आह्वान किया, जो भूल विधानसभा चुनाव में हुई उसे दोहराना नहीं है, इस बार कमल का बटन दबाकर एक बार फिर नरेंद्र मोदी को जिताने की अपील की। INC 24 न्यूज के लिए मंदसौर से सोनाक्ष पाटीदार की रिपोर्ट।